सरकारी जुमलों की असली हकीकत जानने हम पहुंचेंगे आपके वार्ड। कितने सुने गए आपके मुद्दे, कौन नेता रहा जनता से? बिजली, पानी, सड़क, जमीनी मुद्दों की जमीनी हकीकत जानने, सरकार के दावों की हकीकत जानने, आपकी आवाज को बुलंद करने। हम आ रहे हैं आपके गली, आपके मोहल्ले, आप लोगों के बीच। वार्ड यात्रा सिर्फ जेजेएन न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। रेल विभाग ने यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लेते हैं और ऐन मौके पर प्लान बदल जाता है, ऐसे में आप टिकट कैंसिल करवाते हैं और आपके पैसे कट जाते हैं। लेकिन रेलवे ने एक नया नियम निकाला है जिसके अनुसार आप अपनी ट्रेन यात्रा को प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी यात्रा का बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। अब यात्री मूल बोर्डिंग स्टेशन के स्टेशन मैनेजर को लिखित में एप्लीकेशन देकर या ट्रेन के छूटने के कम से कम 24 घंटे पहले किसी कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर पर जाकर यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन को बदलवा कर सकता है। ये सुविधा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के टिकटों पर मिलती है। अगर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जिस स्टेशन तक टिकट बुक किया गया है उसके आगे स्टेशन तक जाना चाहते हैं, तो इसके लिए यात्री को गंतव्य तक पहुंचने से पहले या फिर बुक सफ़र के पूरा होने के बाद टिकट चेकिंग स्टाफ से संपर्क करना होता है और उन्हें यात्रा विस्तार की जानकारी देनी होती है। इंडियन रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक स्टेशन काउंटर पर बुक किए गए टिकट की यात्रा की तारीख को प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, भले ही सीटों की उपलब्धता कन्फर्म हो या RAC में हो या फिर वेटिंग में हो। यात्रा की तारीख को आगे बढ़ाने या पहले करने के लिए यात्री को रिजर्वेशन ऑफिस जाकर ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले अपना टिकट सरेंडर करना होगा। याद रहे कि ये सुविधा सिर्फ ऑफलाइन टिकट के लिए ही उपलब्ध है, ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों पर ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अब आप अपनी यात्रा को प्रीपोन्ड या पोस्टपोन कर सकते हैं। तो रेल से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।